जिला कांगड़ा के अंतर्गत जवाली नगर पंचायत आखिरकार आज भगवा रंग में रंग ही गई। आज नगर पंचायत जवाली में अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित पार्षद का कब्जा हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में नगर पंचायत जवाली के भाजपा समर्थित 5 पार्षदों तिलक रपोत्रा, ममता देवी, राजकुमारी, सुदेश कुमारी, दीपाली पगडोत्रा द्वारा नगर पंचायत के कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे जन नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खाली पद को भरने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की थी। जिलाधीश के निर्देश पर बुधवार को एएसडीएम जवाली अरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत की बैठक हुई, जिसमें 7 पार्षदों का होना अनिवार्य था। भाजपा के 5 पार्षदों के अलावा कांग्रेस के 2 पार्षदों सुरेंद्र छिंदा व जगपाल जग्गू ने भी कार्यवाही में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसके उपरांत सर्वसम्मति से पार्षद ममता देवी को नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विधायक जवाली अर्जुन सिंह विशेष रूप से नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे तथा नव निर्वाचित अध्यक्ष ममता देवी को कुर्सी पर बैठाया। इसके उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कहरिया से धन गांव तक विजयी जुलूस निकाला और जगह जगह पटाखे फोड़े व मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष ममता देवी ने सभी पार्षदों को धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर पार्षद को साथ लेकर चलेंगे तथा बिना भेदभाव हर वार्ड में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक अर्जुन सिंह ने नव निर्वाचित अध्यक्ष ममता देवी को बधाई देते हुए कहा कि अध्यक्ष पर जो भाजपा की जीत हुई है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत व पार्टी नीतियों का परिणाम है, जिससे आज लोग स्वयं भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अध्यक्ष पर जो निम्न वर्ग की महिला की ताजपोशी हुई है वह भाजपा की समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति उदारवादी सोच का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में भारत सरकार व प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपए विकास के स्वीकृत है, लेकिन पूर्व की अध्यक्षता की दलगत राजनीति की सोच से पैसा विकास पर खर्च नहीं किया गया, लेकिन अभी नगर पंचायत के विकास को तेज गति मिलेगी और उनके व प्रदेश सरकार के माध्यम से जवाली के विकास में दिल खोलकर बजट मुहैया करवाया जाएगा। वहीं एसडीएम जवाली अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि बुधवार को अध्यक्ष पद के खाली पद को भरने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोहरम पूरा हो तथा सर्वसम्मति से ममता देवी को अध्यक्ष बना दिया गया है।